तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा सब, हुआ न कोई बोर। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, बेचारे पति आए देख तमाशा देख, तेरे घर के सामने, ना ना ना, तेरे घर के सामने। In this universe, लालू, practical problem, लालू, उठो ना, एक घंटा पहले उठ के फिर यहाँ के सो गए, उठो। अरे क्या कर रही हो डार्लिंग? अरे मुझे संडे के दिन तो आराम करने दो। कॉलेज में आराम करते हो वो काफी नहीं है। किसने कहा मैं कॉलेज में आराम करता हूँ? सचिन कह रहा था तुम्हारे लेक्चर के वक्त क्लास में स्टूडेंट्स होते ही नहीं। हाँ तो स्टूडेंट्स क्लासरूम में नहीं बैठते तो मैं क्या कर सकता हूँ? आजकल के स्टूडेंट नॉलेज के लिए क्लासरूम से बाहर जाना पसंद करते हैं। इसका मतलब तुम दिन भर आराम ही करते हो ना? कैसे आराम करूंगा, वो प्रिंसिपल का बच्चा 10-10 मिनट में राउंड लगाता रहता है, तो उसे दिखाने के लिए मुझे खाली बेंचेस को लेक्चर देना पड़ता है, और खाली बेंचेस को लेक्चर देने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है तुम जानती हो? खाली बेंचेस को लेक्चर्स देते वक्त एनर्जी कैसे वेस्ट होगी लालू? अरे जरा समझा करो डार्लिंग, स्टूडेंट्स अगर क्लास में हो तो प्रोफेसर उनको क्वेश्चन पूछकर आंसर देने में बिजी रख सकता है, लेकिन खाली बेंचेस को तो नॉनस्टॉप लेक्चर देना पड़ता है। अरे अच्छा हुआ मैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं थी, नहीं तो मैं आज पागल हो जाती थी। तुमकी आवाज कहां से आ रही है? ऐश्वर्या के घर से। देखो ना सुबह से क्या चल रहा है। अच्छा अभी पांडुरंग को फोन करता हूं, अभी फोन करता हूं, क्या समझता क्या है, मेरा संडे खराब करता है वो। मनु फोन उठाओ। ओहो क्या है? हेलो। हाँ हेलो ऐश्वर्या। हाँ बोलो। जरा पांडू को फोन देना। हाँ एक मिनट, लो देश पांडे का फोन है। हेलो पांडे भाई, ये तू क्या कर रहा है? ये ठाक ठुक करके मेरा संडे क्यों खराब कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, फोटो फ्रेम ठीक कर रहा था यार। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? तेरे कराने की आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि तेरी बीवी तुझे धोपट रही है। बकवास करता है, मेरी बीवी को सुष्मिता जो अपने हस्बैंड को पीटे गई। क्या कह रहा है? अरे बकवास करता है, कहता है ऐश्वर्या तेरे को पीट रही है क्या? अच्छा मैं बात करता हूं। बात करो। देश पांडे मैं मनु को क्यों पीटूंगी? अरे वो बैंक में मैनेजर है, मैनेजर, कोई प्रोफेसर नहीं है। क्या कहा? ऐश्वर्या है तुम्हें गाली दे रही है। क्या ए ऐश्वर्या, ये ठाक ठुक बंद कर दे, क्यों तंग कर रही है हमको? अरे हम तो फोटो फ्रेम ठीक कर रहे हैं। अच्छा फोटो फ्रेम? लेकिन इतनी जल्दी क्या है, पांडे अब भी तंदुरुस्त है। शट अप, यू शट अप, ये नहीं ठोक ठोक है ना वो पहले बंद कर दे, समझी ना? अरे करूंगी, जरूर करूंगी, अपने घर में मैं कुछ भी करूं, तुम्हें से क्या अपना घर। ए अरे बैंक के क्वार्टर्स को अपना घर कहती हो? फोटो फ्रेम लगाने से पहले बैंक से परमिशन तो ले लो, वरना घर खाली करने का नोटिस आ जाएगा। मनु मुझे जल्द से जल्द एक नया मकान चाहिए। मेरा तो संडे सुधर गया, अब मैं रिलैक्स हो गया, फिर से सो जाता हूँ। अरे सुष्मिता मुझे कहती है कि हम लोग बैंक के क्वार्टर्स में रहते हैं, मकान तक नहीं है हमारे पास। सुष्मिता की बातों को तुम इतना सीरियसली क्यों लेती हो यार? देखो मनु मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द मकान चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगी। ठीक है मैं डिवोर्स के पेपर तैयार करवाता हूँ। क्या? अरे डिवोर्स मकान से तो सस्ता पड़ेगा ना यार। देखो मनु मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने मकान नहीं खरीदा ना तो मैं एक छत के नीचे तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। ठीक है से मैं तुम्हारा बिस्तर छत के ऊपर लगा दूंगा, फूंक मार दो इसको प्लीज। रिचू, रिचू जान इस पे, इस पे वो पत्थर मारूंगा, सुन मेरी बात। अरे तुम इतना क्यों रही, नाराज हो क्या मुझसे? क्या है? अरे इतना क्यों रही हो, तुम मुझसे नाराज हो? जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। क्या हुआ? हम बैंक के क्वार्टर्स में रहते हैं तो तेरी दीदी मेरी भाभी को ताने मारती है। ओह तो इसमें कौन सी नई बात? और वैसे भी जान उन दोनों के झगड़े से हम दोनों के प्यार का क्या तालुक? प्यार व्यार सब भूल जाओ,
भूल जाऊं? हाँ, तुमसे प्यार करना मुझे बड़ा महंगा पड़ेगा। वो कैसे? कल को गलती से हमारी शादी हो गई तो ना मेरा मैका रहेगा ना ससुराल। नहीं नहीं जान, पहली बात तो ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी दीदी और तुम्हारी भाभी एक दूसरे से लड़े बगैर रह नहीं सकते। लेकिन तेरी दीदी के पास मेरी भाभी बहुत इमोशनल हो गए, पता है सारा दिन रो रही थी। सच्चू, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। तो ठीक है, जाओ तुम्हारी दीदी को बोलो मेरी भाभी से माफी मांग ले। मेरे पापा ने ये काम मेरे से नहीं होगा। क्या? मेरा मतलब ये है जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, लेकिन ये काम नारे बाबा ना। तो ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ। ये क्या बार बार भूल जाओ का रट लगा रखा है तुमने? हाँ, अरे प्यार का वादा कोई इलेक्शन का वादा नहीं है जो एक ही झटके में बुलाया जा सके ना। मुझे तो इसमें कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आता है। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी सचू। रिचू मैं जान तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। रिचू, वैसे मैं आज शाम को नेशनल पार्क में घूमने जा रही हूँ। ओह थैंक यू भोले वाले के पास मिलेंगे जान। मैं अपने भैया भाभी के साथ में जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है ठीक है, अगर वहाँ तुम्हें कोई आदमी पागलों जैसी हरकतें करते नजर आए तो समझ लेना क्यों मैं हूँ। आई डोंट केयर। ओए सुन ना, गुलबदन तू मार रहा है, इसमें क्यों आ जाता है यार? मेरा कपड़ा क्यों फाड़ा तू? अरे जाए से रिजू। सुष्मिता, अरे सुष्मिता आओ, बहुत दिन में कोई इंटरेस्टिंग खबर नहीं लाई, अरे इसीलिए तो आई हूँ। आज मैं तुम्हें एक जबरदस्त खबर देने वाली हूँ। कौन सी? अरे वो तुम्हारी पड़ोसन है ना, वो जल्दी बदलने वाली है। कौन? ऐश्वर्या? सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन ऐश्वर्या कभी नहीं बदलेगी। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे ऐश्वर्या बहुत बड़ा घर खरीद रही है। हाँ अभी अभी मिली थी, वो कह रही थी कि हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ ऐश्वर्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है। लालू आ गया। बोलो डार्लिंग क्या करूँ? सुना तुमने शांति ने क्या कहा? अच्छा शांति देवी आई है, जरूर बुरी खबर लेकर आई होगी। नहीं नहीं लालू, बुरी खबर नहीं, मैं अच्छी खबर लेके आई हूँ। क्या खबर लेकर आई है? अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना पांडू, पांडू वो लोग जल्दी घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे वाह शांति, तू तो वाकई अच्छी खबर लेकर आई है। और एक बुरी खबर भी सुन लो, ऐश्वर्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है। हाँ तो करने दो ना, हमें उसे क्या लेना देना। इसका मतलब समझते हो तुम लालू? क्या मतलब निकाला है तुमने? अरे वो मुझे दिखा रही है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती है। वो क्या कह रही थी मालूम है? क्या? कि ये बात सुष्मिता को मत बताना, उसे बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। ए? किसने कहा मेरे लालू के पास पैसा नहीं है? किसने कहा? लालू सुना तुमने, हम अभी के अभी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। शांति फैला दी आग हमारे घर में, हो गया तेरा कलेजा ठंडा? अरे लालू मैंने क्या किया? अरे घर बेचने की नौबत लेकर आई हो तुम मेरे घर में? लालू घर बेचने की नौबत कैसे आएगी? अरे समझा करो डार्लिंग, इस घर को अगर हम नहीं बेचेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? आइडिया, हम इस घर को बेच कर ही नया मकान लेंगे। लालू अगर इससे सस्ता बड़ा मकान चाहिए तो मैं दिलवा सकती हूँ। अच्छा कहाँ दिलवाएगी? झोपड़पट्टी में। अरे तू हिलती क्यों नहीं? I think ये WWF ने मुझे मार डाला, अगले जन्म में मिलेंगे। सर। यस डार्लिंग। सर आपसे ना कोई कस्टमर मिलना चाहता है। आदमी है कि औरत? आदमी है। आदमी है, उसको बोलो 2-4 महीने के बाद। लेकिन सर वो कुछ मनी इन्वेस्ट करना चाहता है अपने बैंक में। मतलब अभी भी कुछ बेवकूफ लोग हैं इस दुनिया में, भेजो उसको अंदर यार। प्लीज कम इन। नमस्कार नमस्कार मैनेजर साहब। अरे प्रिंसिपल साहब कैसे हैं? अरे पांडे साहब आपने मुझे पहचान लिया? अरे आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, डोनेशन लेकर जो स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, लास्ट वीक लिस्ट छपी थी, उस लिस्ट में आपका नाम टॉप पे था। दरअसल मैं आपकी बैंक में कुछ पैसे जमा कराना चाहता हूँ। कितने लड़कों को एडमिशन दी? लड़कों के एडमिशन के पैसे नहीं है, दरअसल मैं एक डील फाइनल कर रहा हूँ, उसके एडवांस आया है, मैं अच्छी स्कीम में रोकना चाहता हूँ। अच्छा कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 5,000 रुपए। 5,000? आपके रवैये से तो ऐसा लग रहा था जैसे आप 5,00,000 रुपए जमा करने वाले। 5,000 कम है क्या? अरे 5,000 होते क्या है, 5,000 का इंटरेस्ट देते हुए भी हमें शर्म आती है। खैर लाइए दे दीजिए फॉर्म दो, मैं फॉर्म दो। अरे पांडे साहब मेरी डील फाइनल हो जाने दीजिए, मैं इस बैंक में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। कौन सी डील? मैं एक फ्लैट बेच रहा हूँ। आप फ्लैट बेच रहे हैं? हाँ, मेरा 2-बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, वो बेच के 3-बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लेने वाला हूँ। देखिए प्रिंसिपल साहब अगर आपकी डील फाइनल नहीं है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आपका फ्लैट लेने में। ये है। हेलो, एक मिनट मैडम। कौन सी मैडम है? आपको कौन मैडम फोन करेगी? हाँ ऐश्वर्या बोलो। हाँ हाँ भाई वही काम कर रहा हूँ, देश पांडे साहब के प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, वो अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ।
समझो फ्लैट हमारा है। हाँ ओके बाय। मिस्टर पांडे जी, आप अभी मेरे फ्लैट में इंटरेस्टेड है? अरे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, आप चाहो तो ये लीजिए एडवांस। लेकिन देखिए, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये रहे पैसे, आपका फ्लैट नहीं रहा। मगर ये अगर अगर कुछ नहीं यार, हम दोनों दोस्त, आपको हमारी दोस्ती की कसम। मगर ये पैसे तो कल आए, ये लीजिए 10 रुपया और लीजिए एडवांस। कमाल करते हैं आप, मेरे दिए हुए पैसे आप मुझे एडवांस के तौर पे वापस कर रहे हैं। आपके दिए पैसे? आपने का पैसे दिए मुझे? अरे अभी तो आपको पैसे दिए, यकीन नहीं आता तो पूछो अपनी सेक्रेटरी से। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकती, मुझे घर जल्दी जाना है ना। मैगी तुम बताओ पैसे किसने दिए, इसने या मैंने? एक्सक्यूज मी सर, वैसे ये पैसे इन्हीं के, देखिए ना कितने फटे हुए नोट है, आपको तो सैलरी में नए नोट मिलते है ना। सुना आपने? और आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ होते हैं? उस दिन मैंने आपकी जेब में हाथ डाला तो फटा हुआ 10 का नोट निकला। मिस्टर पांडे, आपके सेक्रेटरी आपकी जेब में हाथ डालती है कभी कभी। देखिए ये पैसे मैंने आपको दे दिए, अब आप देखिए वो फ्लैट में रह जाइए, जाइए वो फ्लैट में रह जाइए, एडवांस दिया आपको, जाइए। क्या बात है शीतल जी, आज कॉलेज बड़ा शान शान दिख रहा है। प्रिंसिपल का बच्चा अभी तक नहीं आया क्या? आए थे लेकिन किसी अर्जेंट काम से बैंक गए हैं। प्रिंसिपल बैंक गया है? अरे बैंक से प्रिंसिपल का क्या वास्ता? अभी भी उनका फोन आया था, उन्होंने बताया कि वो अपना फ्लैट किसी बैंक मैनेजर को बेच रहे हैं। शीतल शीतल शीतल, गुड न्यूज, मेरा फ्लैट है ना वो 15 लाख में बिक रहा है। क्या आपका भूत महल 15 लाख में बिक रहा है? वही देशपांडे, मैं जो मकान भी रहता हूँ उसका नाम शीश महल है। शीश महल है, लेकिन हमारी कॉलेज के स्टूडेंट तो उसे भूत महल कह के बुलाते हैं। पता नहीं शायद आप रहते इसलिए। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि आप अपना फ्लैट किसी बैंक मैनेजर को बेच रहे हैं। समझा करो, देशपांडे के सामने मैं उसका नाम नहीं ले सकता। अच्छा, कहीं आप अपना फ्लैट पांडे को तो नहीं बेच रहे? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं वैसे कितने में बेचा? 15 लाख में। 15 लाख? अरे पांडे का बच्चा 15 लाख रुपए कहाँ से निकालेगा सर, उसकी जेब में तो 5 रुपए भी नहीं होते। और आप जानते हो जिस घटिया बैंक में काम करता है ना, उस बैंक में भी 15 लाख का बैलेंस नहीं होगा। अगर मैं अपना फ्लैट पांडे को बेचता हूँ तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही है सर, मुझे तो आप पर दया आ रही है। क्या है, आपका फ्लैट भी जाएगा और आपके पैसे भी जाएंगे। जाओ जाओ, दुनिया के सारे लोग तुम्हारे जैसे लुच्चे नहीं होते। आप जानते हैं सर, पांडे को 15 लाख रुपए में फ्लैट बेच के आपने सीधा 1 लाख रुपए का घाटा कर लिया। कैसे? क्योंकि पांडे को ये फ्लैट आप नहीं बेचते तो मैं 16 लाख में खरीद लेता ना। बात करो, सच कह रहे हो तुम? हाँ सच कह रहा हूँ, देखिए मैं तो एडवांस जेब में लेके ही घूमता हूँ। ठीक है, मैं अभी पांडे को फोन करता हूँ, मुझे नहीं बेचना है। नहीं रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, आप पांडे को फ्लैट बेच दीजिए। क्या है, आपका 15 लाख का फ्लैट खरीदूंगा तो 5-6 लाख रुपए तो साफ सफाई में ही चले जाएंगे। क्यों? आप जो उस फ्लैट में रहते हैं सर वो मैं दे दूंगा, आइए मेरे को। नहीं सर, रहने दीजिए सर, नहीं सर मैं मुझे नहीं खरीदना। आप पांडे को बेच दीजिए, आप पांडे को बेच दीजिए सर, पांडे को बेच दीजिए। अरे तुम एडवांस दे सकते हो क्या? हाथ से पैसे निकल गए। जाने दीजिए सर, वो पैसे उनके नहीं हैं। तो कॉलेज के पेटी कैश के पैसे हैं। देशपांडे, ये तुमने क्यों किया लालू? अगर प्रिंसिपल साहब एडवांस मांग रहे थे तो तुम दे देते। अरे डार्लिंग, लेकिन 16 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने की हैसियत है हमारी? हम हमारे घर 16 लाख में बेच देंगे ना लालू। दीदी, रिचू के भैया और भाभी 15 लाख रुपए में नया फ्लैट खरीद रहे हैं। पता है वो किसका फ्लैट है? किसका है? तुम्हारे प्रिंसिपल साहब का। अरे सिर्फ 1 लाख रुपए ज्यादा लेकर वो फ्लैट हमें बेचने वाले थे, लेकिन तुम्हारे जीजू ने ये मौका हाथ से गवा दिया। क्या जीजू, आप भी कमाल करते रहते, महज 1 लाख रुपए के लिए आपने इतना अच्छा फ्लैट गवा दिया। ए चक्रम, 1 लाख रुपए तूने कभी जिंदगी में देखे हैं? 1 लाख में कितने जीरो लगते हैं क्या तू जानता है? 4 जीरो लगते, इसमें कौन सी बड़ी बात? देखा, ये है तुम्हारे भाई की अकल। अरे बेवकूफ चक्रम, 1 लाख में 6 जीरो लगते हैं। ये तो 10 लाख हो गए लालू। चक्रम 10 लाख हो गए? आर यू श्योर? यस। ठीक है तो 1 जीरो काट लो। हेलो, यस, हाँ एक मिनट लालू, तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन है। अच्छा, हेलो सर, क्या बात है, सब कुछ खैरियत तो है? क्यों, तो वैसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आजकल आप ट्रेन से लटक के जाते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो ये बचकानी बातें बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ, तुम मेरा फ्लैट खरीदना चाहते हो या नहीं? क्यों ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? अगर तुम मुझे फ्लैट के 16 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तो मैं पांडे को इसी वक्त फोन करके बताता हूँ कि मुझे फ्लैट बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना हीरोज वापस ले जाओ। लालू क्या कह रहे वो? 1 मिनट सर, जरा होल्ड कीजिएगा, प्रिंसिपल का बच्चा अपना फ्लैट 16 लाख में बेचने को तैयार है। अच्छा, हाँ तो हाँ कह दो। अरे क्या हाँ कह दो, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे अभी तो हाँ कह दो, बाद में देखा जाएगा। और उनसे ये कहो कि इस बात का पांडे से जिक्र ना करे। ओके, देखिए सर अभी तो हम हाँ कह रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। मतलब हम खरीद रहे हैं, लेकिन इस बात का पांडे से जिक्र मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर, थैंक यू। बस जा,
मैं तुमसे बात नहीं करती। तो मैं कौन सा तुमसे बात कर रहा हूँ? बेकार में ही मेरी नाक कटवा दी। तो शुरू से कटी हुई थी। अब वो सुष्मिता ये सोचेगी कि हम लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं कि हम सिर्फ 16 लाख का मकान खरीद सके। अरे क्या सुष्मिता सुष्मिता लगा रखी है। सुष्मिता के लिए मैं अपना गाड़ी बंगला सब भेज दूंगा। भाभी 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 जानती हो अभी भी सचिन बता रहा था कि उसके जीजाजी एक नया फ्लैट खरीद रहे। अच्छा मनु जरा पता तो लगाओ ये देशपांडे किसका मकान खरीद रहा है। क्यों? अरे हो सकता है यही प्रिंसिपल साहब के मकान की कीमत बढ़वा रहा हो। अरे उसकी इतनी हैसियत का है। एक मिनट फोन में जा। हो सकता है तुम्हारा शक सही हो। एक मिनट देशपांडे के बच्चे। हेलो हेलो देशपांडे। यस हाँ मैं तुम्हारा प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब लेकिन सर आपकी आवाज को क्या हुआ? कहीं आपकी बीवी ने आपका गला तो नहीं दबा दिया? शट अप। सुना कल सुबह डील होनी चाहिए। पैसे लेके आना वरना सारी डील मैं पांडे के साथ कर दूंगा। नहीं सर ऐसा मत कीजिएगा। क्या है जब तक वो पांडे फ्लैट खरीदना चाहते हैं तब तक मैं भी खरीदना चाहता हूँ। देखिए सर कल ठीक 11 बजे मैं आपके पास एडवांस लेके पहुंच जाऊंगा। ओके सर। ओके थैंक यू। मैंने कहा था मनु तुम एक काम करो। क्या? तुम प्रिंसिपल साहब का जो मकान है ना उसकी कीमत कम से कम 4-5 लाख और बढ़ा। देश पांडे इतनी कीमत दे ही नहीं पाएगा। आइडिया यार फैंटास्टिक लग रहा है। फैंटास्टिक। आई टेल यू। अरे वाह एडवांस ले आए। नहीं सर मैं आपको 16 लाख रुपए एक साथ में दे दूंगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम 16 लाख रुपए लाओगे कहाँ से? अरे क्यों कब से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ से लाओगे कहाँ से लाओगे? मैं चोरी करके लाऊंगा ढाका डाल के लाऊंगा। आपको क्या लेना देना? इतना गुस्सा क्यों करते हो देशपांडे? प्रिंसिपल साहब को मैं पहली बार आपसे इतने प्यार से बात करते हुए देख रही हूँ। क्या करूँ 16 लाख का सवाल है ना। अरे आप शुक्र मानिए आपके 15 लाख के फ्लैट की वैल्यू मैंने 16 लाख रुपए करके दी वरना ये चिड़ियाघर को कौन खरीदता? चिड़ियाघर और नहीं तो क्या? देशपांडे तुम आजकल ज्यादा बोलने लगे हो। अच्छा जाइए आपका फ्लैट नहीं खरीदता। ऐसा मत कीजिए देशपांडे जी। प्रिंसिपल साहब कब से आस लगाए बैठे हैं? अरे मैं कोई आस मत लगा कर नहीं बैठा। इसको नहीं खरीदे ना खरीदे मेरे पास एक क्लाइंट और है। आइए पांडे जी मैं आपको 19 लाख की ऑफर देता हूँ। ठीक है चलिए एग्रीमेंट बनाते हैं। 19 लाख प्रिंसिपल मैं तुझे आपको 20 लाख की ऑफर देता हूँ। 20 लाख की ऑफर देता हूँ। एक हफ्ते से बोल रहा है कि मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ एडवांस दे रहा हूँ। दिखाता है देता नहीं है लेके भाग जाता है। आप पूछ रहे थे ना कौन बेवकूफ है जो बार बार ऑफर बढ़ा रहा है वो यही है। अरे देशपांडे फ्लैट तुझे चाहिए? I'm so sorry यार मुझे पता नहीं था तू तो मेरा दोस्त है मेरा भाई है रखते जिगर है मेरा पड़ोसी है। एक काम कीजिए 20 लाख में फ्लैट। नहीं 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 बात सुन। ठीक है लाओ 20 लाख एग्रीमेंट बनाते हैं। काय का एग्रीमेंट? काय के 20 लाख? अगर पांडे फ्लैट नहीं खरीद रहा है तो मुझे भी नहीं खरीदना है। सुनो 19 में ले लो। नहीं 18 नहीं 17 अरे मुझे 10 में भी नहीं। दो दो क्लाइंट चले गए हाथ से। प्रिंसिपल साहब जाओ एडमिशन बंद हो गया। अरे मैं एडमिशन के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना कि आपको आपका फ्लैट बेचना है। अरे बेटा बेटा मैं वो फ्लैट खरीदना चाहता हूँ आज के आज। अच्छा कितने की ऑफर दे रहे हो? 30 लाख रुपए। 3 लाख तेरे घर के सामने तेरे घर के सामने